आज इसके जीवन का ये अंतिम दिन है, चलो। हे श्री विनायक, अब आप ही मेरे पुत्र के रक्षक हैं। हर संकट से उसकी रक्षा करें, हर संकट से उसकी रक्षा करें। इस सरोवर में तो नीलकमल है ही नहीं। तो अब आप विलंब ना करें कुमार, शीघ्रातिशीघ्र सरोवर में जाएं और प्रार्थना आरंभ करें। नारायण नारायण। ओम गणपते नमः। ओम स्वाहा। ये अनर्थ नहीं हो सकता, ये अनर्थ कदापि नहीं हो सकता। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। असुरों की यह क्रूरता, एक गुरु के होते हुए शिष्य की यह दुर्गति, अनर्थ, घोर अनर्थ। गुरु शुक्राचार्य, एक गुरु से ऐसे कार्य की आशा कदापि ना थी। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य। कैसा अपशकुन है, अवश्य ही कुमार के प्राण संकट में। हे देवाधिदेव महादेव, कुमार की रक्षा करना, कुमार की रक्षा करना प्रभु। लो, सारा संकट ही टल गया। कितनी सरलता से हमारे गुरुदेव की शिक्षा पाने आया था, अब हमारी विद्या हमारे पास रहेगी। हाँ, यदि इसके पास चली जाती तो देवताओं का तो मंगल ही मंगल हो जाता। महादेव की कृपा से जो होता है उचित ही होता है। मैं आपसे उत्तर चाहता हूं महादेव, मेरे पुत्र का वध क्यों किया गया? उसने ऐसी कौन सी भूल की थी जिसके लिए उसे मृत्यु दंड दिया गया? वो तो
वो तो विद्या प्राप्त करने गया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मान और सम्मान देने गया था। उसे कहां पता था महादेव कि उसके गुरु इतने निष्ठुर और दायित्वहीन है। देव गुरु बृहस्पति, आपका यह दुस्साहस, क्या आपने हम पर आरोप लगाया? लगता है आप पुत्र मोह में उचित अनुचित भी भूल गए। जिस सत्य का ज्ञान नहीं है आपको, उसके संबंध में आपको कुछ कहने का अधिकार किसने दिया? सत्य तो यह है कि समस्त भेदभाव भूलकर हमने आपके पुत्र को अपने आश्रम में स्थान दिया, उसकी इच्छा का सम्मान किया। हम जानते थे कि असुरों के बीच वो अनुशिक्षित है। फिर भी सुरक्षा देने का प्रयास किया हमने। क्या यही आपकी सुरक्षा है? क्या यही अपने शिष्य के प्रति मान और सम्मान है कि आप ही के शिष्य ने कच्छ का वध कर दिया? बोलिए। शांत हो जाइए गुरुदेव, हम आपकी व्यथा समझ रहे हैं, किंतु आप विधि के विधान को भूल रहे हैं। दैत्य गुरु से विरोध का अर्थ यह कदापि नहीं है कि इस अनहोनी का कारण इन्हें ही ठहरा दिया जाए। इस अनहोनी का कारण तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही है पिताश्री। आप अपने तर्कों से इन्हें दोष मुक्त नहीं कर सकते। मृत्यु तो निश्चित है गणेश, तुम जिन्हें दोषी कह रहे हो वो तो कच्छ की मृत्यु का एकमात्र साधन है। साधन चाहे कोई भी हो महादेव, परंतु कारण तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जानबूझकर मेरे पुत्र को मृत्यु का ग्रास बना दिया है महादेव। देवगुरु, ऐसा तुच्छ आरोप ना लगाए हम पर। यह आरोप नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सच्चाई है, सच्चाई। क्यों आपने भेजा कच्छ को नील कमल लाने के लिए, ये जानते हुए भी कि उसे मार्ग की जानकारी नहीं है और वो सारा क्षेत्र दैत्यों के अधीन है? बोलिए, क्यों भेजा आपने? ये तो हमारे आश्रम की परंपरा है, हर वर्ष कोई ना कोई शिष्य नीलकमल लेने जाता है। दोष तो आपका है देव गुरु, क्या आपने अपने पुत्रों को हमारे आश्रम भेजने से पहले इस योग्य भी नहीं बनाया कि वो अपने प्राणों की रक्षा भी कर सके? पर योग्य तो आप तब बना पाते ना जब आप में कोई सामर्थ्य होता। शुक्राचार्य, नारायण नारायण, रक्षा करें महादेव, रक्षा करें। देव गुरु के क्रोध को शांत करें देवादिदेव, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। व्यर्थ क्रोध ना करें गुरु बृहस्पति,
आप अपमानित कर रहे हैं हमारे भक्त को, जो आप ये कदापि नहीं कर सकते। क्रोध में यथार्थ को भूल रहे हैं आप। किस यथार्थ की बात कर रहे हैं पिताश्री? एक पिता के लिए पुत्र शोक से बड़ा यथार्थ और क्या होगा? और उसके मृत शरीर को भी ओझल कर दिया गया हो, इससे कठोर यथार्थ और क्या होगा? क्या आपके अनुसार ये सब उचित है? आप दैत्य गुरु और दैत्यों का चाहे कितना भी पक्ष ले लें महादेव, परंतु सत्य यह है कि शुक्राचार्य ने गुरु धर्म का निर्वाह किया ही नहीं। गुरुकुल में गुरु ही अपने शिष्य का माता पिता और सखा होता है। ऐसे किस दायित्व का निर्वाह किया है शुक्राचार्य ने? पिता का, माता का या सखा का? की बात कर रहे हैं आप श्री हरि? आप तो स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं, तो फिर आपने देव गुरु पुत्र की रक्षा क्यों नहीं की? क्यों नहीं बचाया उन्हें? कैसे विवशता थी आपकी? विवशता थी पिताश्री, हम नहीं चाहते थे कि देवों के कोप से सृष्टि का अंत हो जाए, अन्यथा अब हमारा भी यही निश्चय है कि हम अपने भक्त के लिए किसी भी शक्ति से टकराने में एक क्षण नहीं सोचेंगे। शांत हो जाइए महादेव, शांत हो जाइए विनायक। आप दोनों के बल पर ही तो सृष्टि का संतुलन बना है। यदि आप दोनों ही अपना संतुलन खो देंगे तो सृष्टि का क्या होगा? अतः आप दोनों क्रोध को त्याग कर सदा की तरह सृष्टि को धन्य करते रहें और सहज भाव से अपने भक्तों के कष्ट हरते रहे। शांत हो जाएं महादेव, शांत हो जाएं विनायक। जाइए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अपने दायित्व का पालन कीजिए। मुझे विश्वास है कि अब आप ही इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति, समय और घटनाक्रम जिसे भली भांति ज्ञात हो उसे धैर्य दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको अपने इष्ट श्री गणेश पर पूर्ण विश्वास है तो ये निर्णय भी आप उन्हीं पर छोड़ दें। जो भी होगा उचित ही होगा। कैसी अनहोनी है ये,
कैसा संकेत है ईश्वर, पता नहीं कैसे होंगे कुमार। जब तक उनकी कोई सूचना नहीं मिल जाती मेरा मन अशांत ही रहेगा। किससे कहूं अपने मन की बात, किसे सुनाऊं अपनी व्यथा। पता नहीं वो क्या सोचकर देवलोक से यहाँ आया था, अब तो उसकी आत्मा ही देवलोक पहुंचेगी। वो ये नहीं जानता था कि हम उसके प्राण ही ले लेंगे। चाहे वो कोई भी हो, वो हमारी विद्या नहीं सीख पाएगा, हमारा रहस्य नहीं जान सकता। और अब उसकी मृत्यु का रहस्य कोई ना जान पाएगा। सत्य नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं हो सकता। कुमार की मृत्यु नहीं, यदि ये सत्य है तो मैं उन्हें खोकर जीवित नहीं रह सकती, कदापि जीवित नहीं रह सकती। मेरे ही कारण हुआ स्वामी, मेरे ही कारण हुआ। नहीं, नहीं मैं अपने पुत्र कचकुश शुक्राचार्य के पास जाने की आज्ञा देती, और ना ही मेरा पुत्र अपने प्राण खोता। ये मैंने क्या कर दिया स्वामी, मैंने अपने ही पुत्र को इन हाथों से काल को सौंप दिया, मैं क्या करूं। नहीं स्वामी, मैं अपने पुत्र का शोक सहन नहीं कर पाऊं, नहीं कर पाऊंगी मैं अपने पुत्र का शोक सहन। अब मेरा ये जीवन व्यर्थ है। मैं उस गुरु शुक्राचार्य को कदापि क्षमा नहीं करूंगी। उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया, परंतु मेरा प्रतिशोध अभी शेष है देवी। किंतु मेरा पुत्र तो कभी वापस नहीं आएगा ना सो। पुत्र तो नहीं लौटेगा देवी, परंतु असुरों का सर्वनाश होगा, संपूर्ण नाश होगा उनका, उनकी मृत्यु लीला तीनों लोक देखेगा। मेरे पुत्र का वध मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं देवी, स्वीकार करता हूं। कदाचित उन शत्रुओं का सर्वनाश होना था, असुर विहीन होना था त्रिलोक को, इसीलिए उन्होंने मेरे पुत्र का वध किया है। मैं अंगिरा वंशज बृहस्पति पुत्र शोक की पीड़ा को सहन करते हुए प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा, कदापि नहीं। निकल जाओ यहां से, तुम लोगों के लिए इस आश्रम में
कोई स्थान नहीं है। आपने जो किया उचित किया। कच्छ को नव जीवन देकर आपने देवताओं का भ्रम तो दूर किया ही, साथ ही देवगुरु के मन में उठने वाली समस्त आशंकाओं का भी सदा सदा के लिए नाश किया। हम देव कुमार का वध पुनः करेंगे।